ओम नमः शिवाय। बच्चों, आशा करती हूँ कि तुम लोग सब अच्छे हो। अब समर वेकेशन के बाद हम लोग फिर से पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम लोग संज्ञा करेंगे। संज्ञा का अर्थ है नाउन, जो तुम लोग इंग्लिश में और आगे की क्लास में भी किया है। संज्ञा मतलब होता है किसी नाम वाले शब्द। हाँ, यहाँ संज्ञा जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चले उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, मेरा नाम श्याम है। किसी भी नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहा जाता है। नाम के बिना किसी का परिचय नहीं मिलता है। सब चीज़ों का, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, सबका अपना अपना नाम होता है। नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा को तीन भागों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसके बाद हम लोग एक एक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे भारत बहुत सुंदर देश है, शिवाजी एक बहादुर राजा थे। तो व्यक्तिवाचक में बताना चाहते हैं कि विशेष, पर्टिकुलर किसी के बारे में जब बताया जाता है। जैसे भारत बहुत सुंदर देश है, तो यहाँ सारे देश को नहीं बताया गया है, ओनली भारत को बताया गया है। शिवाजी बहुत बहादुर राजा थे, लेकिन वहाँ सभी बहादुर राजा को नहीं, ओनली शिवाजी को बताया गया है। जब किसी पर्टिकुलर के बारे में बताया जाता है तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। उसके बाद आता है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी विशेष जाति का बोध कराते हैं। जैसे हम कलम से लिखते हैं, डॉक्टर इलाज करते हैं। विशेष जाति, जाति मीन्स कास्ट होता है। किसी भी विशेष जाति, पूरे गाय जाति को बताया जाएगा, कलम जाति को बताया जाएगा, सारे डॉक्टरों को, पर्टिकुलर किसी को न कहकर संपूर्ण सभी डॉक्टर इलाज करते हैं, सब कोई कलम से लिखते हैं। तो कलम एक लिखने का विधा है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर कलम को ना बोलकर, किसी पर्टिकुलर किताब को ना बोलकर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को ना बोलकर, व्यक्ति हो या वस्तु हो उसको ना बोलकर, सबको जब बताया जाता है तब वहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होती है। भाववाचक संज्ञा, ये शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण और अवस्था के बारे में बताते हैं। इसे अनुभव किया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जैसे हम लोग उसको देख सकते हैं या पहचान सकते हैं, लेकिन भाववाचक संज्ञा में हम लोग उसको देख नहीं सकते, इसको फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है। जैसे सदा सच बोलो, बचपन की यादें मन को खुश करता है। बचपन एक अवस्था होती है, बच्चे को देखा जाता है लेकिन बच्चे का बचपन देखा नहीं जाता, उसको अनुभव किया जाता है। तो अनुभव करने वाली वस्तु को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज इतना दूर तक ही हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग फिर इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय।